मैं तो सो गई थी, पर टीटू पूरी रात जाके काम कर रहा था, जो बहुत ही सरप्राइजिंग होगा आप लोग सबके लिए और मेरे लिए भी था। पर बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है वो, और जो होता है कि फर्स्ट टाइम वो शॉप पे जाएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो पूरी प्रेपरेशन के साथ जाना चाहता है कि क्या क्या अभी तक इससे पहले क्या क्या है और कैसे हैंडल करनी है सब कुछ चीज़ें। और इन सब में उनकी प्यार इसी पंछी जो है काफ़ी हेल्प कर रही है। हाँ, पंछी इज बीइंग वेरी सपोर्टिव, तो वो उसको जागने में कि अच्छा आप काम करना चाहते हो तो आई विल मेक टी फॉर यू, तो वो चाय लेकर आती है मेरे साथ जागती है। दैट्स स्वीट, दैट्स नाइस। पंछी तो हमेशा से ही बहुत केयरिंग थी, लेकिन अभी मुझे और अच्छा लग रहा है कि फाइनली टीटू काम कर रहा है सिर्फ मेरे लिए, जो इसको चाहिए था फाइनली वो इसको मिल गया। तो आई थिंक दैट लव हैज एस्केलेटेड फ्रॉम हर एंड नाउ कि हाँ करती थी। पहले इट वाज टोटली, मैं बोलता भी था इट्स वेरी सेल्फलेस, क्या बोलता था मैं, वेरी स्पेशल कुछ तो टर्म आई यूज टू यूज फॉर पंछीज, सेल्फलेस बोलता था आई थिंक। और अब ये कि मतलब अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल बोलता था, बट नाउ व्हेन देयर वाज वन कंडीशन दैट शी वांटेड वो फुलफिल हो गई है, तो अब एक अलग लेवल पे आई थिंक वो चला गया। और एक अलग लेवल आज काफी मैच्योर इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि वो सो गई पर यू नो देयर वाज अ किस ऑन द फोरहेड, वो काफी मैच्योर और काफी स्वीट एट द सेम टाइम था। थैंक यू, आई एम ग्लैड आप लोगों को, आपको पसंद आया तो व्यूअर्स को भी पसंद आएगा। सो या वो ये है कि दैट आई एम एक्नॉलेजिंग द फैक्ट एंड ऑफ कोर्स टीटू आल्सो लव्स हर नाउ, तो उसको वो भी अंडरस्टैंडिंग है दैट हाउ मच शी हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ me not working and now finally I'm working and she's there for me. So wo sense of acknowledgement hai, I think that kiss says that I know you're there and I want you to know that I'm also here with you. Panchi ke pyar ne Nikhattu Titu ko puri tarah se matlab kaafi badal diya hai, kitna proudy moment hai ye. Pyar ne to nahi badla, I think Panchi ke pyar ne nahi badla hai Titu ko. Panchi ke torture ne badla Titu ko. But no, of course it came up as love only, no, in the end. Proud moment. हाँ हाँ, बहुत proud moment था of course, क्योंकि इतने time से जो एक challenge था मेरे लिए कि जो गोविंद नारायण जी ने शादी के वक्त जो expectation रखी थी मुझसे, जिस expectation से वो लेकर आए थे पंची को इस घर में, plus 24 years से वो जैसा है उसको change करना बहुत ही बड़ा challenge था मेरे लिए, plus उसकी mom को ये realize कराना कि वो गलत track पे है, उन्होंने वो रियलाइज किया, तो बहुत बहुत प्राउड मोमेंट था कि हाँ फाइनली उसे उसकी लाइफ में एक एम मिलेगा, गोल मिलेगा जिसके लिए आप वो आगे काम करेगा। थैंक यू।